आमिर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, रिच डो नॉट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क फॉर देम। पहले लेसन में आमिर डैडी बताते हैं कि डर और लोभ ज्यादातर लोगों की जीवन को नियंत्रित करती है। लोग पैसे कमी ना हो इसीलिए वो काम करते हैं, और जैसे ही पैसा आ जाता है तो अन्य नई चीजें खरीदने की लालच भी जाग जाता है। फिर यही लालच उन्हें और पैसे कमाने पर मजबूर करता है, और ये डर कि वो अपने बिल चुका नहीं पाएंगे, कहीं वो गरीब ना हो जाए, इसीलिए वो कड़ी मेहनत करते हैं और पैसे कमाते हैं। रिच डैड इसे रेट रेस कहते हैं। कैसे लोग डर और लालच की वजह से इस रेस में फंसे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि लोगों को ये रेस अच्छा लगता है, पर बचपन से लोगों के मन में बैठी बातें उन्हें इस रेस का हिस्सा बनाए रखती है। बचपन से ये सिखाई गई, अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छी डिग्री लो, फिर एक अच्छी जॉब करो, अगर कुछ अलग ट्राई किए तो सिर्फ असफल ही होगे, कोई दूसरा कामयाब नहीं होने देगा, और यही बात लोगों को इस रेस से जोड़े रखती है। ये सच है कि इस रेट रेस हिस्सा बने रहने से आप कभी गरीब नहीं बनोगे, अपनी बिल्स चुका पाओगे, लक्जरी खरीद पाओगे, पर कभी आमिर नहीं बन पाओगे, एक क्वालिटी लाइफ जी नहीं पाओगे, रिटायरमेंट तक रोज उस बोरिंग रूटीन को फॉलो करना पड़ेगा। तो बात ये आता है कि करें क्या। पहले पूरी हिम्मत करके इस रेट रेस से निकलें। ऐसा कुछ करें जिसमें आप पैसों के लिए काम ना करें, बल्कि पैसे आपके लिए काम करें, और ये तभी संभव है जब आप फाइनेंशियल नॉलेज लेंगे।